संतोष का धन। पंडित श्री रामनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक बार जब वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल एकमात्र मुट्ठी चावल भरी ही है। पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नजर से देखा, फिर बिना किसी जवाब के वो घर से चल दिए। शाम को वो जब वापस लौट कर आए तो भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुए चावल और पत्तियां देखी। ये देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, ये स्वादिष्ट शाक जो है वो किस चीज से बना है? मैंने जब सुबह आपके जाते समय आपसे भोजन के विषय में पूछा था तो आपकी दृष्टि इमली के पेड़ की तरफ गई थी। मैंने उसी के पत्तों से ये शाक बनाया है। पंडित जी ने बड़ी निश्चितता के साथ कहा, अगर इमली के पत्तों का शाक इतना स्वादिष्ट होता है फिर तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही। जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने पंडित को नगर में आकर रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन पंडित ने मना कर दिया। तो राजा हैरान हो गया और स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलकर इसका कारण जानने की इच्छा हुई। राजा उनकी कुटिया में गया तो राजा ने काफी देर इधर उधर की बातें की, लेकिन वो असमंजस में था कि अपनी बात किस तरह से पूछे। लेकिन फिर उसने हिम्मत कर पंडित जी से पूछ ही लिया कि आपको किसी चीज का अभाव तो नहीं है ना? पंडित जी हंसकर बोले, ये तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा पत्नी की ओर आमुख हुए और उनसे वही सवाल किया तो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरह का कोई अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने नहीं फटे कि वो पहने न जा सके, और पानी का मटका भी तनिक भी नहीं फूटा कि उसमें पानी ही नहीं आ सके, और इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियां जब तक हैं, मुझे किस चीज का क्या अभाव हो सकता है? और फिर सीमित साधनों में भी संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। राजा बड़ी श्रद्धा से उस देवी के सामने झुक गए।